Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Sakshi Agarwal. In case you're new here, then hi. I create content on makeup, beauty and fashion. Makeup and tutorial. This is a very easy, brief makeup tutorial. And pataki ki awaaz aayi na abhi. तो ये दिवाली का ही मेकअप ट्यूटोरियल आप इस मेकअप लुक को दिवाली पे कर सकते हो, दिवाली पार्टीज में कर सकते हो, वेडिंग सीजन आ रहा है आप किसी भी वेडिंग में कर सकते हो. इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी एलिगेंट एंड इसमें हम काफ़ी पुट टुगेदर एंड यू नो ऑल सेट फॉर यू नो एंजॉइंग द पार्टीज लगो. एंड या हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. हैव अ ग्रेट दिवाली दिस ईयर. बहुत इंजॉय करना एंड पटाखा बिल्कुल भी मत चलाना, पटाखा लगना मित्र. तो पटाखा लगने के लिए इस मेकअप ट्यूटोरियल को देखते रहिए एंड काफ़ी मजा आएगा आपको. काफ़ी इंसाइटफुल टिप्स बताई हैं मैंने आपको इस वीडियो. सो या प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो. या चलो हम शुरू करते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी आईब्रोज को ग्रूम करेंगे. सो आई हैव माई हैंड मिरर विद मी एंड अ स्पूली ब्रश. सो वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट टेक योर मिरर एंड लुक क्लोजली एंड जस्ट गिव लाइट स्ट्रोक्स टू योर आईब्रोज in the upward. So after this I am taking this kind of angular brush. You can just take the brown shade and black shade little bit mix kar lenge, dust it off kar lenge and aise hum start karenge fill karna. आप देख सकते हो लिटरली 2 सेकंड भी नहीं लगे मुझे और मेरी आईब्रो डन है. दोनों आईब्रोज में कितना फ़र्क लग रहा है. आईब्रो पेंसिल में यही रहता है यार, यहाँ से डार्क हो गई, यहाँ से लाइट हो गई, बस यही करते रहो. तो इसलिए आई लाइक यू नो दिस पाउडर एंड ब्रश मोर, क्योंकि इसमें क्या होता है हम अपनी पसंद का शेड ले सकते हैं, ना ही ज़्यादा ब्राउन ना ही ज़्यादा ब्लैक, बिकॉज आई लाइक मिक्सिंग. तो इसमें देखो हमारी 2 सेकंड में लिटरली आईब्रो बन गई है. इसके बाद मैं दोबारा से स्पूली ब्रश लूँगी एंड जस्ट कॉम आउट कर लूँगी. एंड बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउज नहीं करनी है क्योंकि दिवाली है यार, इतना ज़्यादा कोई तुम शादी वादी में नहीं जा रहे हो. सो जस्ट कीप इट नेचुरल. हम लोग लगाएंगे प्राइमर. आई एम यूजिंग दिस इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर. और आपको स्किन प्रेप कर लेनी है अच्छे से, मैंने ऑलरेडी कर ली है. तो मैं प्राइमर ले रही हूँ डायरेक्ट एंड जस्ट अप्लाई इट ऑन टू योर फेस. You will see that it makes a difference. आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देगा उसे. इसके बाद have to apply a concealer. I am using this Wet n Wild का concealer and I am in the shade medium tawny. So I am gonna apply it underneath my eyes. एकदम थोड़ा थोड़ा, एकदम भरना नहीं है आपको. लिड्स पे लगा लो. Around nose, around lips. क्योंकि आई डू हैव पिगमेंटेशन हेयर एंड थोड़े बहुत मेरे जो एक्ने स्कार्स हैं मैं उस पर भी लगा लूँगी. एंड मैं बहुत ही ज़्यादा लाइट कवरेज बेस रख रही हूँ. इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ फुल कवरेज बेस देन प्लीज़ यू कैन डू इट, इट्स अप टू यू. आई एम जस्ट टेकिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर एंड उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से जो भी लगाया है हमने. गाइस से क्या होगा अगर आप इसमें कम प्रोडक्ट लगाओगे, दिस इज द टेक्निक इन मेकअप, लेस इज ऑलवेज मोर. आप इसे बिल्डअप कर सकते हो बट आप ज़्यादा को कम नहीं कर सकते हो. तो इसलिए आपको कम लेना है. मैंने बहुत कम कंसीलर लगाया है एंड जस्ट गिविंग अ वेरी लाइट कवरेज बाय वेरी सॉफ्ट हैंड. हो गया है. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई सम फाउंडेशन, बहुत ही ज़्यादा लाइट कवरेज. सो आई एम यूजिंग फेसेस कैनेडा का फाउंडेशन एंड दिस इज इन द शेड नेचुरल. ये भी मतलब डिफरेंट शेड्स में आता है. सो मैं इसमें अपने बैक ऑफ द हैंड पे ले लूँगी. फंक्शन के टाइम पे या फेस्टिवल के टाइम पे यू नो ये सब करना, इतने ब्रशेस वगैरह लेना, मुझे पता है कोई नहीं कर पाता. सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. सो जस्ट गिविंग इट अ गुड ब्लेंड एंड उसके बाद जो है आपका बेस रेडी हो जाएगा. मैं बस इतनी कवरेज दूँगी. अगर आपको और कवरेज चाहिए तो फेस कैनेडा का जो वाला फाउंडेशन है बहुत अच्छी ज़्यादा लाइट कवरेज है इसकी. अगर आपको और ज़्यादा हेवी कवरेज चाहिए तो यू कैन गो फॉर हेवी कवरेज फाउंडेशन और अ डिफरेंट ब्रांड ऑफ फाउंडेशन. Set your base with a powder. So I'm using this Maybelline का compact powder. That I have just hit its pan. बहुत ही ज़्यादा खाली हो गया है ये and because it's my favorite compact. So just dab it and apply it. काफ़ी अच्छे से सेट कर लेना है आपको. एंड अगर ये वाला जो ट्यूटोरियल है ना ये लुक आप मतलब किसी भी फेस्टिवल सीजन तो आएगा है, साथ साथ में वेडिंग सीजन भी आ रहा है. अभी 15 साइकिल शुरू हो जाएंगे वेडिंग वगैरह तो आप उसमें भी कैरी कर सकते हो. बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंग्रेडिएंट्स माय ग्लैम की पैलेट एंड दिस हैज ऑल द शेड्स contour brush and highlighter. So just taking this kind of brush, round fluffy brush and taking with the contour, dusting it and sorry maine mirror ulta.
देन जस्ट टेकिंग ब्लश एंड मैं हाइलाइटर इसमें से नहीं लगा रही हूँ. हाइलाइटर आज मैं दूसरा यूज़ करूँगी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कौन सा. सो इसके बाद जो है हमारा बेस ऑलमोस्ट रेडी है. अब हम पहुँचेंगे अपनी आईज पे दोबारा. आई एम जस्ट यूजिंग माई फेवरेट पैलेट, दिस इज फ्रॉम सिस ब्यूटी. एंड ये पैलेट मैंने इतनी बार यूज़ कर ली, आई कॉन्ट यू नो जस्ट एम्फसाइज अबाउट इट. बहुत अच्छी पैलेट है. जस्ट टेकिंग दिस शेड, डस्टिंग इट ऑफ, क्रीज लाइन बना लेंगे. सो जस्ट यू नो ब्लेंडिंग इट ऑन टू माई क्रीज लाइन. मेरा बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लुक करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है आज. सो जस्ट कीपिंग इट वेरी नेचुरल. ये लगाने के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू नो अप्लाई दिस शिमर. एंड ये मैं अपनी फिंगर से ही लगा दूंगी, तो जस्ट टेकिंग माई फिंगर. बहुत ही अच्छा पिगमेंट है, आप देख सकते हो. सो यू कैन सी कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये. एंड जस्ट डूइंग इट ऑन अदर आई एम जस्ट दिस काइंड ऑफ फ्लैट ब्रश. एंड मैं थोड़ा सा मैरून शेड लूंगी, डस्ट ऑफ करूंगी एंड इसमें ड्रॉप शैडो लगा लूंगी. डन, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई आईलाइनर. एंड फॉर आईलाइनर आई एम गोइंग टू यूज दिस वन. इट्स लुकिंग नाइस एक्चुअली. नॉट डन, यू कैन सी मैंने बहुत छोटू सा विंग निकाला है. एंड उसके बाद आई जस्ट अप्लाई माई काजल. एंड फॉर काजल आई एम गोइंग टू यूज ब्लू काजल. एंड आज कल आई एम सो ऑब्सेस्ड विद टू थिंग्स, वन इज काजल, अनदर वन इज बिंदी. अगर आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हो या फिर आप मेरे शॉर्ट्स देखते हो तो आपको पता ही होगा कि मैं ये क्यों कह रही हूँ. मतलब आजकल आई एम सो ऑब्सेस्ड, मैं ऑलमोस्ट डेली लगाती हूँ इन दोनों चीज़ों को. सो या आज भी हम इसे क्यों छोड़. I am just using this mascara. This is from Tintin. This mascara is bomb, guys. बहुत ही ज़्यादा affordable है. Using this highlight, I just love this. इसका pigment भी बहुत प्यारा है. थोड़ा सा लूँगी एकदम. I am just applying it on my cheekbone. Like not on my cheekbones, on the highlighted areas. And यही वाला highlighter मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा inner corner पे भी लगा लूँगी because फेस्टिवल है. सो आई एम फीलिंग लाइक इट. यू कैन सी कि काफी सही लग रहा है. एंड हमारा अभी सब कुछ हो गया है, बस लिपस्टिक रह गई है. सो मेरा मन है कि मैं यू नो थोड़ा पिंक एंड ब्राउन की टोन की फैमिली में जाऊँ. सो फॉर लिप लाइनर आई एम यूजिंग दिस स्वीटन वेलकम लिप लाइनर. दिस इज इन द शेड चेस्टनट. एंड अपने लाइन्स को, अपने लिप्स को लाइन. यू कैन सी मैंने लाइन कर लिया है. मैंने हल्का सा ओवर लाइन किया है बिकॉज माई लिप्स आर वेरी थिन, बहुत थिन है. मेरे को अपने लिप्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. दिस माई ग्लैम की लिपस्टिक, दिस इज इन द शेड स्लो फेड. एंड थोड़ा पिंक एंड पर्पल का टच है इसमें. सो गाइज, यू कैन सी माई मेकअप इज डन एंड आई एम नाउ ऑल रेडी टू यू नो एंजॉय द दिवाली पार्टीज एंड दिवाली एज अ फेस्टिवल. आप इस लुक को कहीं भी कैरी कर सकते हो. बहुत ही ज़्यादा सिंपल इजी ब्रीजी सा लुक है. सो क्या फार सके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई रियली होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड आपको काफ़ी मज़ा आया हो ये वीडियो देखने में. अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना एंड हैप्पी दिवाली विश करना बिल्कुल मत भूलना. सो या अभी मैं आपको अपना फुल आउटफिट वगैरह दिखा देती हूँ. सो आपको बता देती हूँ अपनी OOTD की डिटेल्स. ये जो मेरा सूट है, दिस इज़ फ्रॉम बॉम्बे सेलेक्शंस. एंड अगर आपको बॉम्बे सेलेक्शंस नहीं पता तो यू आर मिसिंग आउट अ लॉट. मेरे ज़्यादातर यू नो जो एथनिक कपड़े होते हैं, क्योंकि मैं उन्हें बहुत कम बाय करती हूँ बिकॉज वी ऑल अग्री ऑन दैट कि एथनिक जो है बहुत कम यूज़ में आता है. इतने हैवी हैवी लेके हम रख लेते हैं बट इट्स ऑफ नो यूज़. सीरियसली बहुत कम यूज़ आता है. आप यही सूट को ले लो, ये मैंने अभी बाय करा था फॉर यू नो फंक्शन.
एंड मैंने बस तब पहना था, उसके बाद ये रखा ही हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे यूज़ करें एंड दिवाली पार्टीज़ में या वीडियोज़ में किसी में तो यूज़ आएगी, बिकॉज दिस इज़ प्रॉपरली यू नो फेस्टिव अप्रोप्रिएट. या दिस इज़ फ्रॉम बॉम्बे सेलेक्शंस एंड इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा यू नो कलर रेंज एंड वेराइटी मिल जाएगी. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉस्ट, दिस इज़ फॉर ₹10,000 एंड बहुत ही प्यारा सूट है. इसमें आपको ऐसी चुन्नी भी मिलेगी, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इस कपड़े को, शिफॉन या पता नहीं क्या, बहुत अच्छा कपड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है. ट्रस्ट मी, मैं आपको इसकी फुल यू नो जो पिक्चर है अभी यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ, आप देख लेना. इसके साथ नीचे प्लाजो भी आता है, आप सिर्फ विद और विदाउट प्लाजो पहन सकते हो. प्लाजो के साथ पहनोगे तो इट विल गिव यू अ नार्कली लुक, अदरवाइज इट विल लुक लाइक अ गाउन. तो इट्स अ मल्टीपर्पज थिंग. सो या आप इसे चुन्नी के साथ भी पहन सकते हो, चुन्नी स्किप भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू. मुझे चुन्नी के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है. और मैंने पूरी वीडियो कंप्लीट कर दी, मैंने बिंदी नहीं लगाई, शिट मुझे अभी याद आया. आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी दिवाली गाइज. इंजॉय करना, पटाखे मत जलाना, दिवाली मनाना है इस बार, पॉल्यूशन कम करना है. सो या मैं भी नहीं चलाती हूँ पटाखे. प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. एंड आपको ऐसे ही काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज अब देखने को. आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो.